अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं. हमारी डेली लाइफ में जितनी भी हम लोग डीलिंग्स करते हैं, हर जगह पे हम लोग चाहे कोई चीज़ खरीदें या बेचें, हर जगह पे जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है वो नंबर्स हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं. इसके बगैर हम लोग अपनी कोई भी डेली लाइफ में डीलिंग नहीं कर सकते. जैसा कि हम लोग कोई ड्रेस खरीदते हैं तो हम लोग शॉपकीपर से उसकी प्राइस पूछते हैं, शॉपकीपर हमें बताता है कि इसकी 750 प्राइस है. अब हम लोग अपने वॉलेट में से 750 जो है वो काउंट करेंगे और उसको दे देंगे शॉपकीपर को. तो 750 जो है ये नंबर्स हैं और जो काउंटिंग है वो हमारी कैलकुलेशन में आ जाती है, एडिशन में आ जाती है. तो नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है इनका हर जगह पे जो है वो यूज़ हो रहा है. अब हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे. 1A का क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे. इसमें राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, नंबर्स को हम लोगों ने वर्ड्स में लिखना है. अब नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए वो है प्लेस वैल्यू चार्ट. चलिए मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सिखाती हूँ. अब जो बच्चे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीख जाएंगे उनके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं करना बहुत इजी हो जाएगा. सबसे पहले तो हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास होते हैं 3 हाउसेस, 1, 1000, 1,000,000. ये हमारे पास 3 हाउसेस हैं. आगे इन 3 हाउसेस के 3 रूम्स होंगे. वंस के जो रूम्स हैं इनके हम पहले नाम लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड. आप थाउजेंड के रूम्स के नेम लिखते हैं, थाउजेंड, 10,000, 100,000. मैंने वंस के जो रूम्स हैं उनके भी नेम लिख लिए, थाउजेंड के रूम्स के भी नेम लिख लिए. अब मैं मिलियन के रूम्स के नेम लिखूंगी. तो मिलियन के फर्स्ट रूम का नेम है मिलियन, सेकेंड वन का है 10,000,000, थर्ड का है 100,000,000. अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है इसको मैंने वर्ड्स में लिखना है. तो इसको मैंने वर्ड्स में लिखने के लिए मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखूंगी. लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करूंगी प्लेस वैल्यू चार्ट में. 0,0,0,0,0,0,3. अब आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो हमारा मिलियन वाला हाउस है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 वाला नंबर आ रहा है. तो हम इसको पढ़ेंगे 3,000,000, बाकी सारे हमारे पास 0 हैं. तो इसको लिखेंगे भी इस तरह वर्ड्स में 3,000,000. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट करने के लिए भी हम लोगों को पहले इस नंबर को जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना पड़ेगा. हम इसको लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना शुरू कर देंगे. 0,0,0,0,0,0,0,4,1. अब हम लोगों ने देखना है कि मिलियन वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे पास है 140, बाकी सारे जो हैं वो 0 हैं. तो हम इसको पढ़ेंगे 140,000,000. 140,000,000. अब सेम वे से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स. चले इसको भी हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में. लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको. 6,5,0,9,8,2,1. अब हमारे पास मिलियन वाले हाउस में आता है 1, तो हम इसको पढ़ेंगे 1,000,000. थाउजेंड वाले हाउस में हमारे पास है 289, तो हम इसको पढ़ेंगे 289,000 और बाकी इसको पढ़ लेंगे 56. चले अब इसको लिखते हैं 1,289,056. अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी डी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का बी सी पार्ट जो आपका होमवर्क है.